आप लोग जो है यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. गुड मॉर्निंग. आप लोग कैसे हैं? ऑल वेल. आपकी आवाज भी ठीक आ रही है, दैट मींस यू आर नॉट वेल. सब ठीक है? जोर से बोलो. ओके, लेट मी थैंक द प्रिंसिपल हियर एंड द स्टाफ एंड एवरीवन ऑफ यू. आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देख के. मैम थोड़ा टाइम में एक्स्ट्रा लूंगी, 5-7 मिनट. मुझे इनके साथ पर्सनली एक एक बच्ची के साथ मिलना है. यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एम आई राइट? मैं अभी देख रही थी इतने सारे वॉल्स पे आपके इतने खूबसूरत ये बने हैं. यू शुड बी इंस्पायर्ड. आप लोग कितने लोग यहाँ खेलते हैं? कोई खेल कूद में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं जब टीचर्स बोलते हैं कि खुद से करते हैं? दैट्स वेरी नाइस. तो आप लोग जो है यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री आप मुल्क के, इस देश के, आपके अपनी फैमिली के बैकबोन हुए. कभी भी कहीं पर भी जैसे कोई चीज डिजास्टर हो जाता है तो दौड़ता कौन है वहां पे? काम कौन करता है? बुजुर्ग करते हैं कि नौजवान करते हैं? यूथ करते हैं. आप उन यूथ में से हो. कभी कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है फैमिली में, दौड़ता कौन है मेडिकल के लिए, कोई टेस्ट कराने के लिए उस पेशेंट के साथ? कौन दौड़ता है? यूथ. आप लोग उस यूथ में से हैं. आप लोग सोचते हैं कि मैं लड़की हूं? नो, यू आर रॉन्ग. आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं. पता है यहाँ पे मैरी कॉम का नाम सुना है? और कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं? सानिया नेहवाल. व्हाट डज शी प्ले? बैडमिंटन. साइंटिस्ट सुना है कोई? आपने नाम सुना है? स्पेस में जाना है कोई? स्पेस में कौन गया है? कोई लेडी बताएंगे? और गुड, आई हियर समवन सेइंग सुनीता विलियम्स. गुड. आप लोगों ने मेहनत करना है, सबसे बड़ी बात. फर्स्ट यू हैव टू लव योरसेल्फ, यू हैव टू लव योर कंट्री, यू हैव टू लव योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आपको लाया है. पता है ना कितना मेहनत करते हैं? कितना मेहनत करते हैं मुझे बताएगा कोई? रात को जाते हैं जब आपको बुखार होता है, जब आप कोई गलत काम करते परेशान होते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज द लव. परेशान होते कि मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, मेरी बेटी ये कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही. और जब आप मार्क्स अच्छे लाते तो कितना इनका असर ऊंचा हो जाता है. बता दें मेरी बेटी ने इतने मार्क्स लाए, सबको बताते हैं? Yes, ma'am. तो व्हाट इज दैट? दैट इज देयर लव. हाउ विल यू लव देम बैक? अब वापस लव कैसे दोगे अपने पेरेंट्स को? हाउ विल यू शो योर लव टू द कंट्री? पढ़ाई करो अपना, ठीक से होमवर्क करो, मेहनत करो. अगर नहीं मन कर रहा है आप रनिंग करो. रनिंग करने से आपकी सारी थकावट, सारा स्ट्रेस, सारे परेशानी दूर हो जाएगी. अब यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके पास. रनिंग करो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है. कोई एक्सरसाइज करो, कोई खेल कूद करो, कोई रनिंग करो, ताकि आपका जो माइंड है वो उस चीज में आ जाए और कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो आपको लगता है उसमें से आप दूर जाएं. मेडिटेशन करो, योगा करो, रनिंग करो, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं करो जो आपको, जो आपके, आपकी फैमिली के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो. जो ड्रग्स करता है उसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है. बहुत सारे बच्चे बोलते कि यार ये कुछ नहीं सीख रहे थे ना, यू लुक कूल. अरे भाई कूल नहीं, यू लुक फूल. एक बार आपने किया तो फिर आपका लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाता है. देखते हैं या इनका बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हैं, या फिर इनके जो संगत है, पहले कुछ किसी के साथ होता था, अभी बाहर के लोगों के साथ होता. प्लीज बी केयरफुल, इनका खूब ध्यान रखें, इनको स्टडी करें, रीड करें. इनके जो बिहेवियरल है तो उससे हमें बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं. आप, मुझे लगता है बहुत अच्छी बच्चियां हैं. हर एक चीज बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उससे दूर रहेंगे. खूब से पढ़ाई करेंगे, खूब से मेहनत करेंगे, और खेल कूद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे.